الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم قابل احترام بزرگ اور عزیز دوستو ماہ رمضان المبارک کا دوسرا جمعہ ہے یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں دن رات اللہ تبارک و تعالی کی رحمتیں اور انوارات بارش کی طرح برس رہے ہیں خوش قسمت ہیں وہ بندے جو اللہ رب العزت کی برستی ہوئی رحمتوں سے اپنے دامن بھر رہے ہیں اور اترنے والے انوارات سے اپنے سینے کو منور کر رہے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے ان سعادت مند بندوں میں شامل فرمائے یوں تو اللہ رب العزت نے سال کے 12 مہینے بنائے ہیں بظاہر دن رات کے لحاظ سے گھنٹوں کے لحاظ سے موسمی لحاظ سے دنوں کی تعداد اور ہفتوں کی گنتی کے لحاظ سے سارے مہینے برابر ہی نظر آتی ہیں لیکن اس مہینے کو باوجود کے ظاہری صورت میں باقی مہینوں پر اسے کوئی برتری حاصل نہیں ہے نہ تو اس کے دن زیادہ ہیں نہ ان دنوں میں کوئی خاص چیز نظر آتی ہے نہ اس کی راتیں لمبی ہیں باقی مہینوں کی نسبت اور نہ ہی ان راتوں میں کوئی خاص چیز بظاہر نظر آتی ہے تو پھر اس مہینے کو کس بنا پر باقی مہینوں پر فضیلت دی گئی جو رحمتیں جو برکتیں اس مہینے میں نازل ہوتی ہیں وہ دوسرے مہینوں میں نظر کیوں نہیں آتی آخر وہ کون سی وجہ ہے یعنی اس مہینے کو جو فضیلت دی گئی ہے فضیلت کی وجہ کیا ہے تو یہاں پر یہ بات ایک سمجھنے کی ہے کہ اس مہینے کو نسبت ہے اللہ تبارک و تعالی کی وحی کے ساتھ اس مہینے کو فضیلت ملی ہے اس نسبت کی وجہ سے کہ اس ماہ مقدس کو اللہ رب العزت نے خاص کیا تھا اپنی کتابوں کو نازل کرنے کے لیے چنانچہ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو صحیفے ملتے ہیں تو رمضان کے مہینے میں
हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल होते हैं तो रमज़ान का महीना होता है, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सहीफ़े मिलते हैं तो रमज़ान के महीने में, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम को सहीफ़े मिलते हैं तो भी रमज़ान के महीने में, और जब अल्लाह तबारक व तआला की अजीम किताब, अजीम कानून जो बनी इसराइल को अता किया गया तौरात की शक्ल में, वो तौरात नाजिल होती है तो भी रमज़ान के महीने में, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम को ज़बूर मिलती है तो भी रमज़ान के महीने में, और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को इंजील अता की गई तो वो भी रमज़ान के महीने में, और क़ुरान के बारे में तो ख़ुद फरमाया शहर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरान, फरमाया रमज़ान का महीना वो महीना है जिसमें क़ुरान को नाजिल किया गया। तो मालूम हुआ कि इस महीने को जो फजीलत और बरतरी अता की गई है वो क़ुरान की नस्बत से अता की गई है, तो क़ुरान की अपनी शान क्या होगी और क़ुरान का अपना मकाम क्या होगा। क़ुरान करीम 12 महीनों में से जिस महीने में नाजिल होता है उस महीने को बाकी महीनों पर फजीलत और बरतरी मिल जाती है। क़ुरान हकीम वो अजीम किताब है कि जिस शहर में उसका नुज़ूल होता है उस शहर को तमाम दुनिया के शहरों से अफजल शहर करार दिया जाता है, और उस शहर की परवरदिगार आलम कसम खाती है ला उक़्सिमु बिहाज़ल बलद। क़ुरान हकीम ऐसी अजीम अल्लाह की किताब कि अल्लाह तबारक व तआला के फरिश्ते इतनी तादाद में हैं कि उनके बारे में कोई तस्वुर ही नहीं कर सकता। ला यालमु जुनूद रब्बिका इल्ला हू, फरमाया उसके लश्करों को सिवाय उसी के कोई नहीं जानता। हदीस शरीफ में आता है कि इस जमीन पर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपनी इबादत के लिए एक मरकज के तौर पर हमें बैतुल्लाह अता किया है जिसका तवाफ किया जाता है। फरमाया कि इसी की सीध में आसमानों के ऊपर एक अल्लाह का घर बना हुआ है, बैतुल्लाह बना हुआ है जो फरिश्तों के लिए है जिसे बैतुल मामूर कहा जाता है, और उसका तवाफ फरिश्ते करते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि उस वक्त उसका तवाफ मुसलसल जारी है, जिस तरह मक्का मुकरमा में जब भी आप, आजकल तो जदीद दौर है, जब भी आप टीवी लगाएं मक्का लाइव टीवी को देखें आप, आपको वहाँ पर तवाफ़ होता ही नज़र आएगा, चाहे वो दिन है चाहे रात है, जो भी वक्त है, बारिश है आंधी है तूफान है, तवाफ़ रुकता नहीं है, जारी है। तो फरमाया इसी तरीके पर बैत मामूर में फरिश्तों का तवाफ़ जारी रहता है, रुकता नहीं, और फरमाया कि वहाँ जो फरिश्ते तवाफ़ करते हैं एक बार जो ग्रुप तवाफ़ करता है वो 70,000 की तादाद में होता है, 70,000 फरिश्ते तवाफ़ करके चले जाते हैं, फिर और 70,000 आते हैं, और फरमाया कि जो एक बार 70,000 वहाँ पर तवाफ़ कर लेते हैं क़यामत तक उनकी फिर बारी नहीं आएगी। अब इसका अंदाज़ा लगाओ कितनी तादाद है फरिश्तों की, लेकिन इतनी तादाद में से अल्लाह तबारक व तआला ने जो शर्फ जो बुजुर्गी जो फजीलत जो सरदारी जो मकाम जो मर्तबा हजरत जिब्रील अमीन को अता किया है वो किसी फरिश्ते को नहीं मिला। बाकी फरिश्तों के नाम भी कोई नहीं जानता, किरामुल कातिबीन जो रोजाना आते हैं हमारे पास उनके नाम आते हैं हमें क्या, किसी को भी नहीं आते, नहीं जानते हम उनके नाम क्या है जबकि रोजाना आते हैं हमारे पास। इसी तरह बाकी फरिश्ते हैं कोई नहीं जानता, फजीलत मर्तबा मकाम इज्जत सरदारी अल्लाह ने जिब्रील अमीन को अता फरमाई, तो जिब्रील अमीन को ये फजीलत क्यों मिली, बाकी फरिश्तों पर बरतरी अता की गई तो उसकी वजह क्या है। तो फरमाया नज़ल बिहि रूहुल अमीन, इसलिए कि कुरान को नाजिल करने वाले लेकर आने वाले जिब्रील अमीन थे, निस्बत कायम हो गई जिब्रील अमीन की कुरान के साथ, अल्लाह ने सारे फरिश्तों का सरदार बना दिया।
बल्कि कुरान वो अजीम किताब है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से अल्लाह तबारक व तआला ऐलान कराते हैं कुरान हकीम में। मेरे महबूब आप ऐलान कर दें, आप बरसर आम कह दें, खुले तौर पर कह दें, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, आप फरमा दें, बता दें सबको, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह। समझना जरा जुमले को, नींद तो नहीं आ रही ना, कुछ बातें ऐसी होती है ना कि ये ऊपर ऊपर नहीं जानी चाहिए, अंदर उतरनी चाहिए, बड़ी अहम होती है कुछ बातें, उनका ताल्लुक अकीदों से होता है। अब थोड़ी सी गलती जो है ना, और थोड़ा सा ऐसे ओम का आ जाना तो फिर बात बिगड़ जाती है। काश से मैंने ऐसे कहा था, वो काजी को पता ही नहीं होता, वो चूंकि आप ख्वाब देख रहे होते हैं ना, तो अपना ख्वाब जो है ना वो मेरी तरफ से मंसूफ कर दिया जाता है, इसलिए बेदार होकर बैठा करें। कुछ बातें बड़ी कीमती होती हैं और कुछ बड़ी अहम होती हैं। फरमाया मेरे पैगंबर ऐलान कर दीजिए, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं, बशर मुआनी इंसान, मैं बशर हूं, मैं इंसान हूं, कैसा, मिस्लुकुम तुम्हारी जैसा, तुम्हारा बाप है तो मेरा भी बाप है, तुम्हारा दादा है तो मेरा भी दादा है, तुम पैदा हुए हो तो मैं भी पैदा हुआ हूं, तुम खानदान रखते हो तो मेरा भी खानदान है, तुमने शादियां की हैं तो मैंने भी शादी की है, तुम्हारी औलादे हैं तो मेरी भी औलाद है, तुम्हारा हसब व नसब है तो मेरा भी हसब व नसब है, तुम खाते हो तो मैं भी खाता हूं, तुम पीते हो तो मैं भी पीता हूं, तुम्हें भूख लगती है तो मुझे भी लगती है, तुम्हें प्यास लगती है तो मुझे भी लगती है, तुम्हें नींद आती है तो मुझे भी आती है, तुम्हें थकावट का एहसास होता है तो मुझे भी होता है, परेशानियां तुम्हें अब तुम पर आती हैं तो मुझ पर भी आती है, अजियतें तकलीफें तुमको पहुंचती हैं तो मुझको भी पहुंचती है, महसूस होती है, इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं बशर हूं तुम्हारी तरह। तो फर्क क्या है फिर, जाग रहे हैं ना या सो रहे हैं आप, तो फर्क क्या है, आप जो फरमा रहे हैं इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम, मैं तुम्हारी तरह इंसान हूं, तुम्हारी तरह बशर हूं, फर्क क्या है। फरमाया फर्क ये है, यूहा इलैया, मेरी तरफ वही की गई है, मेरी तरफ कुरान उतारा गया, अब जब कुरान उतर कर आ गया मेरे पास, मेरे दिल पर कुरान के हुरूफ उतारे गए, मेरे दिल पर कुरान के अल्फाज नाजिल किए गए, अब मैं हूं तो इंसान पर तुम जैसा नहीं हूं, अब हूं तो इंसान तुम में से हूं पर तुम जैसा नहीं रहा। ये कैसे हो सकता है, आप खुद फरमाती हैं कि मैं तुम जैसा हूं, तुम ही में से हूं, अब फिर हम जैसे भी नहीं, कैसे हो सकता है, तो मैं नहीं समझ आती। तो आओ अल्लाह के घर की तरफ आ जाओ, वहां पर कुएं से निकलने वाला पानी एक गिलास ले लो, दुनिया भर की लिबार्ट्रियों से चेक कराओ, दुनिया भर की लिबार्ट्रियों में ले जाओ तहकीक के लिए, रिसर्च के लिए, और वो जोर लगा ले, नतीजा ये आएगा कि जमजम है तो पानी पर पानियों जैसा नहीं है, न दरिया के पानी जैसा है, न नहर के पानी जैसा है, न कुएं के पानी जैसा है, और न बारिश के पानी जैसा है, है पानी लेकिन पानी जैसा नहीं है, इसके खवास ही कुछ और है, इसके अंदर सिफात ही कुछ और है, इसके जायका ही कुछ और है, इसके अंदर कुव्वतें और ताकतें ही कुछ और हैं, है पानी लेकिन पानियों जैसा नहीं है। फरमाया मैं हूं तुम में से पर तुम जैसा नहीं हो, क्यों, वजह क्या बनी, यूहा इलैया, मेरे पास कुरान आ रहा है, तो कुरान नाजिल हुआ अल्लाह के नबी पर, इंसानों में से थे लेकिन इंसानों जैसे नहीं रहे, मकाम बुलंद होगी, हजरे अस्वद पत्थर है ना, हजरे अस्वद पत्थर है लेकिन पत्थरों जैसा नहीं है, है पत्थर लेकिन पत्थरों जैसा नहीं है, आम पत्थर और होती है लेकिन हजरे अस्वद कुछ और है। तो इस तरीके से नबी बज़ाहिर इंसानों में से हैं लेकिन इंसानों जैसे नहीं है, मकाम कुछ और है। अब वक्त नहीं है कि मैं कुछ और अर्ज करूं, उस पर तफसीरात बहुत कुछ है।
सो रहे थे आप, हजरत बिलाल आए, अस्सलाह, नमाज का वक्त हो गया, अल्लाह के महबूब उठे, नमाज के लिए चल दिए। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा पूछती है, आप तो सो गए थे, आपने वुजू नहीं बनाया, सोने से तो वुजू टूट जाता है ना, तो आप तो सो गए थे, आपने वुजू नहीं बनाया, ऐसे नमाज पढ़ाने चले गए। फरमाया, हाँ आयशा, हम नबियों का वुजू सोने से नहीं टूटता, नबियों का वुजू सोने से नहीं टूटा करता, क्यों कि तुम में से हैं पर तुम जैसे नहीं है। रोजा रखा, सौ में विसाल, रोजे पे रोजा, रोजे पे रोजा, यानी अफ्तार सहर किए बगैर, खाना पीना कुछ नहीं है, एक रोजे की नियत कर ली, शाम हुई दूसरे की नियत कर ली, फिर शाम हुई तीसरे की नियत कर ली, रोजे पे रोजा चल रहा है। एक सहाबी ने देखा, उसने कहा मैं भी रोजा रखूंगा, उसने भी रोजा रख लिया। एक दिन रखा, अफ्तारी का वक्त हुआ, जरा कमजोरी महसूस हुई, उसने कहा नहीं, अल्लाह के नबी नहीं खा रहे तो मैं भी नहीं खाऊंगा, अगले की नियत कर ली। दूसरा दिन हुआ था, पड़ा हुआ था, न उठने की ताकत, न नमाज पढ़ने की, ना अल्लाह अकबर कहने की, ना हाथ उठाने की, इसने हाथ पड़ा हुआ है। अल्लाह के रसूल को पता चला, फरमाया क्या हुआ? उसने कहा जी रोजा रखा है। कैसा रोजा? आपकी तरह। फरमाया अय्युकुम मिस्ली, तुम में से मुझ जैसा कौन है? मैं तुम में से हूं पर तुम जैसा नहीं हूं। क्यों? यूहा इलैया, मुझ पर कुरान आया है, और जब कुरान आ जाता है तो मकाम बदल जाता है। तो इस कुरान को अल्लाह तबारक व ताला ने इस माह मुकद्दस में नाजिल फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िल फीहिल कुरान, फरमाया वो महीना, रमजान का महीना वो महीना है जिसमें कुरान को नाजिल किया गया। जब कुरान नाजिल हुआ इस महीने के अंदर, तो इस महीने को अजमतें मिल गई। एक रिवायत में आता है कि मेराज की शब नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सफर हुआ, जो सफर इसरा जो हुआ, यानी मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा तक, मेराज का सफर दो हिस्सों में तकसीम है, एक इसरा कहलाता है, दूसरा मेराज, यानी एक सफर वो है जो जमीनी है, दूसरा आसमानों की तरफ। तो सफर का पहला हिस्सा जो था मस्जिद हराम यानी मक्का मुकरमा से चले मस्जिद अक्सा तक, वहां जब पहुंचे तो अंबिया अलैहिस्सलाम पहले से मौजूद थे, अंबिया अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए मौजूद थे, सफ़ें बनी हुई हैं। बाज़ हज़रात फरमाते हैं कि सारे अंबिया तशरीफ लाए थे, और सारे अंबिया की तादाद बहुत ज़्यादा है, 1,24,000 कम व बेश सारे आए थे। बाज़ फरमाते हैं कि नहीं, सिर्फ रसूल आए थे, रसूल जिनको शरीयत देकर अल्लाह ने भेजा था, उनकी तादाद 313 या 315 या 317 है, रसूलों की तादाद। तो वो रसूल आए हुए थे, तब सारे सफ़ों में खड़े हैं, अल्लाह के महबूब पहुंच गए, आप भी ठहर गए, अब सफ़ें बनी हुई हैं, मुसल्ला खाली है, सफ़ें बनी हुई है नमाज के लिए लेकिन मुसल्ला खाली है, मुक्तदी तो सारे खड़े हैं, इमाम नज़र कोई नहीं आ रहा। जिब्रील अमीन आए, अम्बिया अलैहिस्सलाम से फरमाया कि अपना तारुफ़ कराओ, तारुफ़ कराओ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना तारुफ़ कराया, यानी मैं अल्लाह का पैगम्बर हूँ, कलीमुल्लाह हूँ, मैं वो पैगम्बर हूँ जिसने अल्लाह से कलाम किया है, गुफ्तगू की है, मैं तूर पर जाकर रब ताला से हम कलाम हुआ करता था, बगैर किसी आड़ के, बगैर किसी रुकावट के, मैं रब ताला से बातें किया करता था, मैं कलीम हूँ। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम आए, मैं ज़बीहुल्लाह हूँ, मैं वो हूँ जिसने अपना गला अपने रब की खातिर ज़मीन पर छुरी के नीचे रख दिया था, अपने आप को ज़बह होने के लिए पेश कर दिया था उस ज़ात के नाम पर, मैं ज़बीहुल्लाह हूँ। हज़रत इब्राहिम आए, अपना तारुफ़ कराया, मैं तो खलीलुल्लाह हूँ, अल्लाह का दोस्त हूँ, रब ने मुझे अपना दोस्त बनाया, खलील बनाया मेरे अल्लाह ने मुझे। हर नबी अपना तारुफ़ करा रहा है, आखिर में बारी आई रहमत कायनात, इमाम खत्म रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। तो आपने
फरमाया कि मैं वो हूं जिस पर अल्लाह ने कुरान को उतारा है। तारुफ हो रहा था ना, आपने क्या बताया कि मैं वो हूं जिस पर अल्लाह ने कुरान को उतारा है। जिब्रील अमीन ने आपका हाथ पकड़ा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुसल्ला इमामत भी उसी को मिलेगा जिसके पास कुरान होगा। चुनाचे इमामत आपने कराई है, सारे जनबी मौजूद थे, मुख्तदी बनकर आपके पीछे नमाज अदा की है, तो नस्बतें कुरान की वजह से मिल रही है। तो इस कुरान को अल्लाह तबारक व तआला ने इस माह मुकद्दस में नाजिल फरमाया, तो इस महीने को बाकी महीनों पर फजीलतें हासिल हो गई, एक मकाम और मर्तबा मिला। और फरमाती है कि कुरान और रमज़ान, इन दो का आपस में भी गहरा जोड़ है, ताल्लुक है। मिसाल के तौर पर रमज़ान, कुरान के बारे में आता है ना कि रोज़ क़यामत कुरान सिफारिश करेगा, किसी के हक में बोलेगा, किसी के खिलाफ बोलेगा। जिसके हक में बोलेगा तो जन्नत पहुंचा कर छोड़ेगा, और जिसका मुखालिफ बन जाएगा तो जहन्नम पहुंचा कर दम लेगा। अल्लाह ताला कुरान पाक की मुखालफत से बचाएं, अल्लाह ताला हमें कुरान पाक की सही सिफारिश नसीब फरमाए। तो रोज़ क़यामत कुरान सिफारिश करेगा, और हदीस शरीफ में आता है कि अल्लाह ताला ये सिफत रोज़े को भी अता फरमाएंगे कि रोज़ा भी रोज़ेदार की रोज़ क़यामत सिफारिश करेगा। कुरान भी सिफारिश करेगा, रोज़ा भी सिफारिश करेगा। दूसरी बात कि कुरान पाक जब तक पढ़ा जाता रहे, जब उसकी तिलावत की जाती है, जब उसको पढ़ा जाता है, जब तक तिलावत जारी रहती है, अनवारात की बारिश होती रहती है, रब ताला की तरफ से अनवारात की बारिश होती है, रहमतें नाजिल हो रही होती हैं जब तक कुरान की तिलावत जारी रहती है। और फरमाया कि रोज़ा, जब तक रोज़ेदार रोज़े की हालत में होता है, उस पर भी रब की रहमतों की बारिश बरसती रहती है जब तक वो रोज़ा अफ्तार ना कर ले। ये नस्बतें हैं, कुरान और रमज़ान के आपस में एक ताल्लुक है। तीसरा फरमाते हैं कि इसमें परवरदिगार आलम के साथ एक तशब्बो भी है, मुशाबियत थोड़ी सी सिफात में, कि कुरान हकीम ये अल्लाह का कलाम है। और कलाम किसे कहते हैं? जो अंदर से निकलता है। कलाम इंसान के, मैं जो बात कर रहा हूँ अंदर से निकल रहा है ना, तो कलाम अंदर से निकलता है। हदीस शरीफ में आता है तबर्रक बिल कुरान, कुरान से बरकत हासिल करो, फइन्नहु कलामुल्लाह, ये अल्लाह का कलाम है, फखराज अमीन हो, ये उसके अंदर से निकला है। तो कुरान ये वो है जिसे परवरदिगार आलम ने खुद पढ़ा है, यूं समझे कुरान वो किताब है जिसको अल्लाह तबारक व ताला ने जमीन व आसमान की पैदाइश और तखलीक से हजारों साल पहले अल्लाह तबारक व ताला ने खुद कलाम किया, पढ़ा, तिलावत की, बाद में अपनी अपने महबूब की उम्मत को दिया है। पहले इसको पढ़ा गया, और सबसे पहले इसको पढ़ने वाले परवरदिगार आलम खुद हैं, और फिर जन्नत में जन्नतियों को भी सुनाएंगे ना, वो भी रिवायत में आता है। अल्लाह ताला फरमाया कि मेरा कलाम है तो मुझसे सुनो, सूरत रहमान की तिलावत होगी। तो कलाम है अल्लाह का, अल्लाह ताला ने खुद इसको पढ़ा है। तो अब जब ये नेमत हमें मिली है, तो जब हम इसको पढ़ते हैं, तिलावत करते हैं, तो वो सिफत के साथ निस्बत हो जाती है कि हम वो कलाम पढ़ रहे हैं जो कलाम परवरदिगार आलम का है, हम वो पढ़ रहे हैं जिसे रब ताला ने खुद भी पढ़ा था। और रोज़े के अंदर भी एक ऐसी सिफत के साथ मुशाबियत है, और वो क्या कि अल्लाह तबारक व ताला की ज़ात वो ज़ात है जो खाने से भी पाक है, पीने से भी पाक है, वो सुबहान ज़ात है। ना अल्लाह को भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना अल्लाह ताला को खाने की ज़रूरत है, और ना अल्लाह तबारक व ताला को पीने की ज़रूरत है। तो जब एक रोज़ादार रोज़ा रखता है, तो चंद लम्हों के लिए वो भी ये सिफत इख्तियार कर लेता है कि मैंने खाना भी नहीं है, पीना भी नहीं है, एक मुशाबत हो जाती है। और एक और बात भी अर्ज करूं, फरमाते हैं कि कुरान हकीम और रोजे की आपस में देखा जाए ना, मुकाबला किया जाए, तकाबुल किया जाए, फजीलतों को देखा जाए। फरमाया कि एक रोजादार है, जब रोजा रख लेता है तो
परवरदिगार आलम फरमाती हैं कि रोज़ेदार के मुंह से जो बू आती है मैदे से, मैदा खाली होने की वजह से जो बू आती है, अगर आप दांतों की सफाई नहीं करेंगे तो वो बदबू होती है, वो बू नहीं बदबू है। मिसवाक का इस्तेमाल करें, रमज़ान में इस्तेमाल कर सकते हैं मिसवाक। तो जो मैदे से मैदा खाली हो जाता है तो उसकी वजह से जो बू आती है, तो फरमाया कि जो बू आती है रोज़ेदार के मुँह से मैदा खाली होने की वजह से, अल्लाह के हाँ वो मुश्क व अंबर से भी ज़्यादा कीमती होती है। अल्लाह ताला उस मुँह को पसंद करते हैं जो मुँह से आती है। और अब तिलावत कुरान, फरमाया कि जब कोई कुरान की तिलावत करता है, यहाँ पर एक चीज़ और भी अर्ज़ करूँ कि कुरान ये नेमत हमें मिली है, ये फरिश्तों को नहीं मिली, फरिश्तों को नहीं मिली ये कुरान जो अल्लाह ने नाजिल किया, हुदल्लिन्नास, अल्लाह ताला ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसातत से, आपके ज़रिए से, आपकी बरकत से आपकी उम्मत को अता फरमाया है, हिदायत की किताब है, सरचश्मा हिदायत है, लेकिन ये फरिश्तों को नहीं मिला। फरिश्ते इस कुरान की तिलावत नहीं करते, सिर्फ जिब्रील अमीन पढ़ते हैं, सिर्फ जिब्रील अमीन कुरान करीम पढ़े हुए हैं। वो आया करते थे लेकर और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रमज़ान मुबारक में दौर किया करते थे, इकट्ठे पढ़ा करते थे। जिब्रील अमीन पढ़े हुए हैं, उसके अलावा फरिश्ते कुरान नहीं पढ़ते, उनको नहीं पढ़ाया गया, इंसानों के लिए आया। तो फरमाया वो पढ़ते तो नहीं हैं लेकिन सुनते ज़रूर हैं, उनको मज़ा आता है कलाम जो रब का है। फरमाया कि जब कोई खारी या कुरान, जब कोई कुरान पढ़ने वाला, कुरान पाक की तिलावत करने वाला, जब कोई बैठकर कुरान करीम की तिलावत करता है, बशर्त ये कि मोहब्बत, मोहब्बत से पढ़ रहा हो। मोहब्बत से पढ़ना, चट्टी भुगताना नहीं कि मैंने इतनी सिपारे ख़त्म करनी है, नहीं, सही पढ़ना, मोती ढूंढना इसमें से, समंदर बह रहा है, समंदर मौजज़न है, समंदर ने अपने अंदर बहुत कुछ छुपाया हुआ है, हीरे जवाहरात समंदर की तह में पड़े हैं, लेकिन दरिया के, समंदर के साहिल पर गश्त करने वालों को कुछ नहीं मिला करता। समंदर की तह पर, उसकी सतह पर कश्तियों में सफ़र करने वालों को कुछ मिला नहीं करता, तैरने वालों को हाथ कुछ नहीं आया करता, वो जवाहरात और मोती उनको मिलते हैं जो गोता लगाने वाले होते हैं। तो कुरान में से मोती उनको मिलेंगे जो गोता लगाने वाले हों। डूब कर पढ़ना, आशिकों की तरह पढ़ना, मैं अक्सर वो शेर पढ़ा करता हूँ थोड़ा सा तरमीम के साथ, अल्लामा इकबाल से माजरत करते हुए, कि अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन वो कहती है ना कि मुल्ला की अजां और है, मुजाहिद की अजां और। तो मैं यहाँ कहा करता हूँ कि अल्फाज और मुआनी में तफावत नहीं, लेकिन कारी का पढ़ना और है, आशिक का पढ़ना और। आशिक बनकर पढ़े, सिर्फ कारी बनकर नहीं, मोहब्बत से, मोहब्बत में डूब कर पढ़े कि आखिर कलाम किसका है। कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम अरबी का मकूला है, कलामुल मुलूक मुलूकुल कलाम, कि जो बादशाहों का कलाम होता है, बादशाहों का जो कलाम होता है वो कलामों का बादशाह होता है, यानी जो बादशाहों की बात होती है वो बातों की बादशाह होती है। उस बात का मुकाबला, एक बात वो है जो आपने कह दी, एक बात वो है जो मैंने कह दी, और एक बात वो है जो शहबाज शरीफ ने कह दी। पता है किसने कहा है? शहबाज शरीफ साहब ने कहा है। अच्छा, नाम है ना जी, वज़ीर आज़म है, उसने कहा है, ठीक है। किसी बादशाह ने कहा है, सर झुक जाता है सबका। और परवरदिगार आलम तो बादशाह नहीं, शहनशाह है, बादशाहों के बादशाह, जो अल्लाह का कलाम है। तो उसको फजीलत तो फरमाया कि ऐसी हासिल है जैसी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को फजीलत हासिल है मखलूक पर, इसी तरह अल्लाह ताला के कलाम को फजीलत हासिल है सारे कलामों पर। तो डूब कर पढ़ना, फरमाया कि जो शख्स मोहब्बत के साथ अल्लाह के कलाम की, कुरान मुकद्दस की तिलावत करता है,
तो फरमाया कि फरिश्ते के कानों में आवाज़ जाती है तो वो आ जाता है, क्या हो रहा है, देखता है ये तो कलाम मुकद्दस पढ़ रहा है, अल्लाह का कुरान पढ़ रहा है। वो दूसरे फरिश्तों को बुलाते हैं, आओ यार जल्दी आओ जल्दी आओ, तुम्हारे काम की चीज़ यहाँ मिल गई। फरिश्ते आते हैं, कुरान पढ़ा जा रहा है, वो सुनने के लिए जमा हो जाते हैं, फिर और आते हैं और आते हैं, एक दूसरे को बुलाते जाते हैं। हदीस शरीफ में आता है कि उसके ऊपर जमा होते रहते हैं यहाँ तक के फरिश्ते आसमान तक पहुँच जाते हैं, जमा होते होते होते, और उनको ऐसा मज़ा आता है कि वो उसके गिर्द झूमने लगते हैं पढ़ने वाले के गिर्द, और बिलआखिर अपने होंठों को उस पढ़ने वाले के होंठों पे रख देती है मोहब्बत की वजह से। लेकिन सिगरेट की बू तो ना आ रही हो ना, फिर नहीं रखेंगे अपने होंठों को। फिर फरिश्तों को नफरत होती है बदबू से। हदीस शरीफ में आता है कि लहसुन खाकर मस्जिद में ना आया करो। उस ज़माने में तो लहसुन था ना, तो तशरीह की जाए तर्जमा किया जाए तो उसका ये निकलता है कि सिगरेट पीकर मस्जिद ना आया करो, हुक्का पीकर मस्जिद ना आया करो, मुंह साफ करके आया करो ताकि बू नहीं आनी चाहिए। यकीन करें रमज़ान शरीफ है ना, एहतियात करनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है एहतियात करना। कुछ साथी होते हैं जो चटनी खूब खाते हैं और फिर सब की तरह भी ख़राब करते हैं। हर मोहल्ले की मस्जिद में होता है कोई एक आध ऐसा, होगा आपके मोहल्ले में भी, इसलिए उम्मीद है मुझसे नाराज़ कोई नहीं होगा क्योंकि मैं आपकी मस्जिद में होता नहीं हूँ। कोई ये नहीं कह सकता कि ये मेरा कह रहा है। तो एहतियात से खाना एहतियात से लिया करें। तो ऐसी चीज़ें खा लेते हैं फिर डकार आती है, और डकार की वजह से जो बू निकलती है फिर सारी मस्जिद में फैल जाती है, और जहाँ इंसानों को तकलीफ़ होती है वहाँ फरिश्तों को तकलीफ़ होती है। तो माह रमज़ान की ये घड़ियाँ, ये लम्हे, ये साहतें जो अल्लाह ने हमें अता फरमाई है, इनकी कदर करें, एहतराम करें। ये मौका फिर नहीं मिलेगा, साल आते रहेंगे, महीने आते रहेंगे, ये आज का जो जुमे का दिन गुजर रहा है रमजान का, ये कभी वापस नहीं आएगा। एक मिसाल अर्ज करता हूं, एक अल्लाह वाले की जमात की नमाज फौत हो गई, बा जमात नमाज के पाबंद थे, जमात की नमाज फौत हो गई, रह गई जमात, बड़े परेशान हुए। फिर सोचा कि जमात की नमाज पढ़ना 27 गुना ज्यादा सवाब रखती है। अगर अकेली नमाज पढ़ी ना, एक नमाज का सवाब मिलेगा, और अगर जमात के साथ नमाज पढ़ी तो फिर 27 नमाजों का सवाब मिलेगा। अब मेरी 27 नमाजों का सवाब चला गया तो लिहाजा मैं आज की नमाज को 27 बार पढ़ूंगा, समझ रहे हैं ना, इस नमाज को मैं 27 मरतबा पढ़ूंगा ताकि 27 बार का सवाब मिल जाए। उसने एक नमाज पढ़ी, फिर दोबारा पढ़ी, फिर सहबारा, फिर चार बारा, पढ़ता रहा पढ़ता रहा पढ़ता रहा। जब 27 नमाजें पूरी हो गई, एक आवाज आती है कि ऐ बंदे 27 का अदद तो तूने पूरा कर लिया, लेकिन वो जो फरिश्तों ने आमीन कही थी वो कहां से लाओगे? इमाम के सूरत फातिहा मुकम्मल होने पर जो फरिश्तों ने आमीन कही थी वो कहां से लाओगे? तो इसलिए रमजान की कदर करो, इन साथों की कदर करो, रोजों की कसा तो हो जाएगी लेकिन रमजान की लम्हात कहां से लाओगे? हमारे अकाबरीन तो एहतियात किया करते थे, एक एक लम्हा। इमाम आजम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, जिनका हम नाम लेते हैं, जिनके हम पैरोकार हैं, जिनके मुकल्लिद हैं, जब रमजान का महीना आता था सारे काम ठप हो जाते थे, बस सिर्फ कुरान के साथ ताल्लुक, क्योंकि निस्बत है रमजान और कुरान को। एक खत्म कुरान का दिन को करते थे, एक खत्म रात को करते थे, रोजाना दिन को खत्म, रात को खत्म, और तीन खत्म तरावी में करते थे, 10 दिन बाद खत्म। जब रमजान का महीना मुकम्मल होता, इमाम आजम के 63 कुरान पाक खत्म हो चुके होते थे। इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह के बारे में आता है कि रमजान में 60 खत्म कुरान पाक के किया करते थे, 60 खत्म। इमाम अहमद इबन हम्बल रहमतुल्लाह अलैह, उस वक्त जबकि कमजोर हो गए थे, उम्र 80 साल के करीब थी, जब मामू रशीद के दरबार में उनको कोड़े मारे गए थे और बहुत नकाहत आ गई थी, कमजोरी बहुत ज्यादा आ गई थी, लेकिन उस वक्त भी उनके मामूलात में लिखा है कि 150 रकात नफल रोजाना पढ़ना उनका मामूल था, और उन हर रकात में कुरान का पढ़ना। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह,
उनके बारे में आता है कि एक कुरान पाक रोजाना दिन को खत्म करते थे और 10 पारे रात को पढ़ा करते थे। यानी एक कुरान मुकम्मल दिन को 10 पारे रात को पढ़ना, तरावी इसके अलावा है। तो उन लोगों ने नस्बतें कायम की हैं और ये मुश्किल काम नहीं, आसान है। इस दौर में भी ऐसे लोग हैं। अभी 2-3 साल पहले हमारे अपने इलाके के, मैं बारहा ये वाक्या सुना चुका हूँ, हमारे अपने इलाके के काफी साहब थे, उम्र भी काफ़ी थी उनकी, गालिबा 100 के करीब होंगे, 100 साल के करीब उम्र, हाफिज़ कुरान थे, इंतहाई कमज़ोरी आ गई थी, नकाहत आ गई थी, खड़ा होना उनके लिए मुश्किल था, मस्जिद तक जाना मुश्किल था, लेकिन मामूल ये था कि रोज़ाना कुरान पाक का ख़त्म किया करते थे। अभी की बात है, हम अपने डेरे शहर की बात कर रहा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। ये कुरान से मोहब्बत करने वाले लोग थे, हकीकी मोहब्बत करने वाले लोग थे। पढ़ने पे आए तो वक्त में बरकत वो कहीं और से आती है। आप थोड़ा कदम उठाकर देखें रब ताला की रहमतें कैसे मदद करती हैं। हमने कभी कदम उठाया ही नहीं है, हम इस रास्ते पर कभी चले ही नहीं हैं, हमने ये लज्जतें कभी चखी नहीं हैं। जब आएंगे तब पता चलेगा कि रब की मदद कैसी होती है, रब की रहमतें कैसी होती है।